उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब फर्जीवाड़े से लोन पास कराकर गाड़ी निकलवाने वाले गैंग का पर्दाफाश कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 4 कार समेत नकदी बरामद कर ली। एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना नई मंडी पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने संदीप कुमार पुत्र ब्रजपाल सिंह एडवोकेट निवासी गांधी कॉलोनी के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में छेड़खानी कर फर्जी तरीके से उनका एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाया है और लोन कराकर एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में ही 4 आरोपियों को धर दबोच लिया, जिनके कब्जे से 4 लग्जरी गाड़ी समेत 1700 की नकदी बरामद की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंकुश त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी, आलोक त्यागी पुत्र विजेंद्र त्यागी, संदीप कुमार पुत्र जय भगवान, सुधीर कुमार पुत्र राम सिंह निवासी गांधी नगर थाना नई मंडी के रूप में हुई है। ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ये जो गैंग है, ये जो फाइनेंस होती, फाइनेंस की गाड़ियां करवा के आगे बेचता था और उसके बीच में प्रॉफिट कमाता था। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अंकुश त्यागी, आलोक त्यागी, संदीप और सुधीर। ये चारों ही यहां मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 गाड़ियाँ भी बरामद हुई है, एक सेल्टोस, एक वेन्यू, एक हैरियर और एक क्रेटा। और इनसे अभी तक जो पूछताछ की है उसमें ये पता चला है कि ये लोग किसी भी आदमी का फर्जी ITR वगैरह यूज़ करके बैंक में अकाउंट खुलाते थे, उस बैंक अकाउंट में फिर लोन सेंक्शन कराते थे कार का, उस कार के लोन से ये गाड़ी खरीदते थे और फिर आगे किसी आदमी को आधे पौने दाम में इसको बेच देते थे, जिससे इनको फ़ायदा होता था। और जो फाइनेंस की किस्त थी, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट फर्जी होते थे तो बैंक को ओवरऑल नुकसान होता था। इसमें इनके साथ, जैसे मैंने बता दिया, 4 लोग हैं और भी इनके कुछ साथी हैं, उनको भी हम जानकारी कर रहे हैं, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। और ये जो ओवरऑल जो हमें गैंग है वो पता चला है, क्योंकि एक आदमी था मंडी क्षेत्र का ही, वो बैंक गया, अपना लोन की एप्लीकेशन दी, तो उसमें पता चला कि पहले से उसके नाम से कार लोन सेंक्शन है। फिर हमने इसकी ओवरऑल जाँच पड़ताल की तो ये खुलासा हुआ। नहीं, इसमें मुझे इतना बताना है, क्योंकि इन्होंने एक ही बैंक से सारे लोन सेंक्शन कराए, तो संभावित है कि जो बैंक है वहाँ, बैंक का जो कर्मी हो कोई, वो इसमें संलिप्त हो, उसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। ठीक है सर, कितनी ये अभी तक जो पूछताछ में इन्होंने बताया, करीब 15 गाड़ी, क्योंकि 3-4 साल से इसमें लगे हुए थे, 4 हमने रिकवर की है अभी और इसमें हम जानकारी कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि इस गैंग के अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। इसी के साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि जिस बैंक से ये लोग लोन कराते थे उनमें बैंक का कोई कर्मी भी इस गैंग में शामिल तो नहीं है।